कहते हैं कि शहर की खनक और मिठाइयों की महक उस शहर का मिजाज तय करती हैं, और जब बात अपने बक्सर की हो तो पापड़ी का जिक्र लाजमी है। करीब 70 सालों से लोगों की जुबान पर मिठास घोलने वाली सोन पापड़ी की कहानी भी विश्वामित्र की नगरी बक्सर की तरह ही अद्भुत है, जिसे आज डिस्कवर करने आ गया है आपका अपना अनडिस्कवर्ड। पापड़ी हमारे बक्सर का गौरव है, जो कि हमारे परदादा जी श्री बद्रीनारायण जी पापड़ी वाले के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपना बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही अपना लगन करके एक नया मिठाई के रूप में इस पापड़ी को बनाया गया था, जो कि ये पिछले 70-80 सालों से हमारे बक्सर का गौरव बन गया है और अब आगे भी बना रहेगा। ये पापड़ी का आविष्कार उन्होंने करीबन 1945-46 के समय में किया था, जो कि पापड़ी बनने के बाद उन्होंने इसको कोई स्थायी जगह पे, हम लोगों का दुकान नहीं था, तो कभी उन्होंने किसी ठेले पे, कभी साइड में किसी दुकान पे ऐसे करके हम लोगों ने बेचना इसको स्टार्ट किया था। और 1958 ईस्वी में हमारे बक्सर स्टेशन के पास में हम लोगों ने एक दुकान स्थापित किया, जो कि आज भी स्थित है वहीं बक्सर स्टेशन के पास में। उसके बाद से ये पापड़ी हमारे परदादा जी बद्रीनारायण के बाद में हमारे दादा जी हैं श्री मदन प्रसाद गुप्ता, उनके देख रेख में ये चला। उसके बाद फिर उन लोगों ने, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारे पिताजी श्री अरुण कुमार गुप्ता जी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी चीज़ में हम लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पापड़ी 4 चीजों का मिश्रण से तैयार होता है। पहला हो गया बेसन, दूसरा घी और चीनी, इलायची। पहला प्रोसेस में बेसन को घी में भूजा जाता है और कलर के लिए हम लोग हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं, हल्दी ऑर्गेनिक होता है। उसके बाद चीनी का चाशनी तैयार किया जाता है। चाशनी बनने के बाद उसको पत्थर का स्लेब पर रख कर थोड़ा ठंडा किया जाता है। उस चाशनी को हम लोग बेसन का जो खुरा भुजाया है उसमें मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको एकदम ऐसा होता है कि तार नुमा तार बनाकर बेसन और चीनी को एकदम एक दूसरे में सुखा दिया जाता है। बेसन का वो चाशनी का एक गोला तैयार हो जाता है। गोला को हम लोग एक लकड़ी के पटरा पर डालकर बेल देते हैं। बेलने के बाद फिर उसका कटिंग होता है, उसके ऊपर इलायची, बादाम, ये सब का ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग होने के बाद ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद फिर पैकिंग में चला जाता है और पैकिंग के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दुकान पर जहाँ भेजना है वहाँ भेजा जाता है। जैसे जैसे लोगों ने खाना इसको स्टार्ट किया तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगी। पहले जैसे हमारे दादाजी ने जो स्टार्ट किया था उस समय हम लोग 5 या 4 स्टाफ से उसको काम करते थे, तो उस समय मान के चलिए कि पहले 100 केजी 50 केजी बेचने में हम लोगों को 10-15 दिन लग जाता था, लेकिन आज के दिन में हमारा 500 केजी पापड़ी 1 से 2 दिनों में खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को मैन पावर भी बढ़ाना पड़ा, मैन पावर के साथ साथ में हम लोगों को आधुनिक रूप से आधुनिक मशीनों के भी प्रयोग में लाना पड़ा। जैसे कि खुरा, जो बेसन और घी को जो मिला के हम लोग जो खुरा बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बड़ी बड़ी मशीनों के रूप में यूज़ करके उसको खुरा का मुंजाई हम लोग उसमें करते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल रूप से पापड़ी का आगे का जो काम होता है खुरा भूंजने के बाद, अभी हम लोग ट्रेडिशनल रूप से उसका ही काम करते हैं। जो मैन पावर जो होते हैं वही काम करते हैं। खुरा भूंजने के बाद जो चाशनी की तैयारी होती है, अभी चाशनी और खुरा का जो मिश्रण बनता है वो सब हाथों से किया जाता है। मिश्रण के बाद जो हमारा गोला बनता है बेसन का, जिसे हम लोग लकड़ी के पट्टी पर डाल के उसको जो बेलते हैं, फिर जो कटिंग हुई, आज के दिन में भी वो हाथ से ही काम होता है। आज के दिन में जैसे मैं दुकान पे बैठता हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो कि बहुत ही बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के एज के भी लोग आते हैं, और मुझे उनसे ये पता चलता है कि हमारे परदादा जी के हाथ से वो पापड़ी बहुत बार खा चुके हैं, पहले क्या उन्हें मिलता था आज के दिन में क्या मिलता है, वो बहुत ये देख के खुश भी होते हैं कि पहले के जमाने में बहुत छोटी सी दुकान हुआ करती थी और 2 तरह की पापड़ी रहती थी, लेकिन आज के दिन में हम लोगों ने इसको बहुत एडवांस कर दिया और 6 तरह की पापड़ी हो गई है,
लेकिन पापड़ी का क्वालिटी अभी भी हम लोगों ने मेंटेन रखा है। तो उनकी इच्छा को देखते हुए ऐसा बहुत सारा हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल आता था कि सर मैं विदेश में रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं कि सर आप क्या अमेरिका में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में कुरियर कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन भाई बहन लोग वहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं, तो उन लोगों को ये पापड़ी आज के दिन में बहुत पसंद है, तो उन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को ऑनलाइन में ले आया है। और ये हमारे papdiwala.com बोल के एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज़ को आप ऑर्डर कर सकते हैं और 5 से 10 दिनों के अंदर में आपको पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की डिलीवरी मिलती है। और इस चीज़ को हम लोग इसको फैला रहे हैं और आगे भी इसको फैलाएंगे। जात जात रउआ सभी से वो निहोरावा कि अपन गांव घर के मिठाई के अपनों खाई या दूसरों के खियाई, ओकरा नाम से परिचय भी कराई, ताकि आवे वाला समय में बक्सर अपन तमाम कीर्ति के साथ सोन पापड़ी के नाम से भी जानल जाओ।